हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग फूडी श्रद्धा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आज की वीडियो में हम बनाएंगे नवरात्रि में खाए जाने वाले बहुत ही फेमस और इजी साबूदाना वड़ा। ये साबूदाना वड़ा कोई सिंपल साबूदाना वड़ा नहीं है, ये है पालक पनीर साबूदाना वड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप मूंगफली को आप धीमी आंच पे भून लें और फिर उसका पाउडर बना के रख लें। पालक की पत्तियों के छोटे छोटे बारीक टुकड़े काट लें और उसमें गर्म पानी डाल करके उसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। फिर एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें उबले हुए आलू को ग्रेट कर लें, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। साबूदाना वड़ा की रेसिपी नवरात्र में सभी घरों में बनती है, पर इसमें पालक और पनीर डालने के बाद ये और हेल्दी हो जाती है। अब इसमें पनीर ग्रेट करके डाल दें। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, फिर भुना जीरा पाउडर और फिर सेंधा नमक। आप इन मसालों के साथ ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने 2 कप के करीब साबूदाना यूज़ किया है। साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, इसकी वजह से वो अच्छे से फूल गया है। अब इसमें आप बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाल दें। पालक की पत्तियों को जो हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था स्टार्टिंग में, उन्हें आप छान लें और उसे भी इसमें डाल दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें 1 नींबू का रस डाल दें। सबसे लास्ट में आप इसमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाल दें। मूंगफली के पाउडर की वजह से वड़े को बाइंडिंग अच्छी मिलती है और ये घी में डालने के बाद फटते नहीं हैं। अब इन्हें हाथों की हेल्प से आप वड़े या कटलेट का शेप दे दें। मैंने सर्कुलर शेप्स बनाए हैं। इस तरह से वड़े बना करके आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद इसको फ्राई करके खा सकते हैं। और ये देखिए, बातें करते करते हमारे सारे वड़े बनके रेडी हो गए हैं। भारतीय घरों में साबूदाने का इस्तेमाल व्रत में बहुत किया जाता है। साबूदाना बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है। व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही फेमस डिश साबूदाना खीर मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब साबूदाना वड़ा को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग के लिए फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम में साबूदाना जल जाएंगे और लो फ्लेम में साबूदाना फट सकते हैं। इन्हें बहुत सावधानी से आप घी में पलटें। फॉर्क और स्पून की सहायता से ये थोड़ा इजी हो जाता है। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लें। साबूदाना वड़ा को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने धनिया की चटनी और रायता बनाया है।
आप कोकोनट की चटनी भी बना सकते हैं। पालक पनीर साबुदाना वड़ा बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। आप पालक की जगह कोई और सब्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं और ये देखिए हमारा पालक पनीर साबुदाना वड़ा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये व्रत की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।